हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हम लोग का जो लंच रूटीन है वो। तो लंच में मैंने इस दिन बनाया था लौकी चना दाल की सब्ज़ी और उसके साथ हम लोग लिए थे राइस। तो जब भी हम दाल बेस्ड कोई भी सब्ज़ी या फिर कुछ भी बनाते हैं तो हम अलग से फिर दाल प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो बस अभी मैं बना रही हूँ लौकी चना दाल की सब्ज़ी और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने कुकर को गर्म किया है, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के गर्म होते ही मैंने उसमें जीरा का फ़ोरन दिया और हींग डाली हूँ और एक दालचीनी और एक बड़ी इलायची और कुछ तेज पत्ता दी हूँ। और जैसे ही ये मसाले स्प्लटर कर गए तो बस इसमें मैं ऐड की हूँ चॉप किए हुए अनियंस और उनमें दे रही हूँ अच्छा सा स्टर। तो अनियन को तब तक मैं कुक करूँगी जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। और क्योंकि मैं अभी लंच बनाने में लगी हुई हूँ तो मैंने शिवाय को थोड़ा सा टाइम दिया है कि वो टीवी देखे, तो उसे मैं अभी थोड़ा सा कुकुम्बर काट के दे रही हूँ ताकि वो टीवी देखते देखते उसे भी खा ले। और बस जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे प्याज तो मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। और इन दिनों मैं लहसुन का पेस्ट इस तरह से बना के फ्रिज में स्टोर करके रख रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि जब भी सब्ज़ी बनाओ तब अलग से लहसुन का ही पेस्ट बनाओ, जिंजर का ही पेस्ट बनाओ। तो इससे बेटर है कि बना के एक बार स्टोर कर ले फ्रिज में ताकि जिससे थोड़ा सा टाइम मेरा बच सके। और बहुत सारा अभी काम का भी लोड पड़ा हुआ है। तो लहसुन के बाद मैंने डाला था अदरक, अदरक को भी घीस के मैंने ये सब्ज़ी में ऐड किया है। और बस अभी लगा रही हूँ एक अच्छा सा फिर से स्टर सब्ज़ी में। और अभी इस स्टेज पे कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाला है हल्दी, फिर डाला है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। और बस इन सबको भी अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी और तब तक भूनूँगी जब तक कि अच्छे से जो मसाला है वो सब अपना ऑयल नहीं रिलीज़ कर दे। तो इसे कम से कम भूनने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो लो फ्लेम पे मैं इन मसालों को भून रही हूँ। तो अभी थोड़ा ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। तो इसमें मैं डालूँगी दाल, ये है चना दाल और इसको ना मैंने सोक करके रखा हुआ था 2 घंटा पहले ही। तो चना दाल को मैंने अच्छी तरीके से 2-3 पानी धो लिया और फिर अभी पानी हटा के मैं इसे ऐड कर दी हूँ सब्ज़ी में और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहूँगी। तो यहाँ पे ना चना दाल जो मैं इसमें ऐड की हूँ वो प्रॉपरली सोक होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि चना दाल कुकिंग टाइम ज़्यादा रहता है चना दाल का। और क्योंकि ये सब्ज़ी हम लौकी के साथ बना रहे हैं तो लौकी और चना दाल को जब हम कुक करेंगे तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक साथ पक जाएं। अगर चना दाल को पकाने की कोशिश में हम लगे रह जाएंगे तो फिर लौकी पूरा बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा, इसलिए एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट चना दाल को भूनने के बाद मैं इसमें ऐड की हूँ लौकी और इस तरह से मैंने काटा था, डाइस्ड किया था लौकी को और बस उसको मैं ऐड की हूँ अभी सब्ज़ी में और अच्छी तरीके से स्टर करूँगी सब्ज़ी को। और देखिए मैं किस तरह से कुकर को स्क्रेप करते करते मसाले को भून रही हूँ। तो ये प्रोसेस ना बहुत ही ज़रूरी है, जो भी हम बर्तन में खाना बना रहे हैं उसमें हल्का हल्का जो मसाला चिपकता है उसे स्क्रेप करते करते सब्ज़ी को मिलाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सब्ज़ी में एक सोंधापन आता है। तो बस अभी 4 से 5 मिनट इसको इसी तरह से भूनते रहना है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये सब्जी का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो अभी थोड़ा सा मेरा
जो लौकी है वो गलना शुरू हो रहा है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट और बिल्कुल थोड़ा सा चीनी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटोज़ को भी मैंने चॉप कर लिया है, और अभी सब्ज़ी में दूंगी एक अच्छा सा मिक्स। और अभी मेरा सब्जी अच्छी तरीके से भुन गया है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा गर्म पानी, और जो कंसिस्टेंसी है मैं थोड़ा सा इसे लिक्विड ही रखूँगी, क्योंकि मैंने दाल नहीं बनाया है तो सब्ज़ी थोड़ा सा लिक्विड होना ज़रूरी है, क्योंकि इसे हम चावल के साथ खाएंगे। ऐसे भी कोई भी मील में ना, अगर हम ग्रेवी वाला कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा प्रेफर करते हैं कि ग्रेवी हो, तो उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग हम मसाला और बाकी सब कुछ भी ऐड करते हैं सब्ज़ी में। तो अभी इस स्टेज पे हम डाले हैं इसमें गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। तो बस सारे कुकर से अच्छी तरीके से उसके वॉल से सारे मसालों को स्क्रेप करके और सब्ज़ी में ऐड कर देंगे, और बस कुकर का लिड लगा के इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सब्जी में दिलवाऊंगी 3 सीटी, और 3 सीटी देने के बाद कुकर को बंद कर देंगे और रेस्ट करने देंगे थोड़ी देर के लिए। इन द मीनवाइल मैं चावल यहाँ पे धो ले रही हूँ, और धो के मैंने कुक होने के लिए चावल रख भी दिया है। तो सब्ज़ी में से जैसे ही प्रेशर निकल जाए सारा, तो एक बार कुकर को खोल के और चेक कर लेंगे कि चना दाल और जो लौकी है वो अच्छे तरीके से कुक हुआ है या नहीं। और मैं एक बार उसे हैंड से प्रेस करके भी देख ले रही हूँ, तो चना दाल और लौकी दोनों अच्छे तरीके से कुक हो गए थे। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड किया कोरिएंडर लीफ, और मैंने कुकर का लिड लगा के और उसे कवर करके छोड़ दी हूँ अभी, जब तक राइस बन रहा है। और मैं एक तरफ अभी थोड़ा सा सैलड भी काट ले रही हूँ हम लोगों के लिए। और बस एक तरफ चावल बन रहा है, सब्जी मेरी बन चुकी है और मैं सैलेड भी काट ली। तो जितने देर चावल बनने में लगेगा, तो मैं सोची कि सुबह के जितने भी अभी तक बर्तन हुए हैं उनको मैं धो लूं। तो बस चावल मेरा भी बन चुका है, तो हम लोगों के लिए मैं खाना परोसने लगी हूँ। तो ये है आज की हमारी थाली, लौकी चना दाल और राइस और सैलड, और बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों को क्या करना है शिवो? हम लोगों को क्या करना है घर और घर घर पे क्या करना है? घर पे काम करना है। हम लोग को घर से बाहर जाना है। क्या करना है? घर पे रहना है। क्यों? क्योंकि ये हाउ है। कौन सा हाउ? कौन मारेगा? हाँ? कौन मारेगा? कौन? कौन मारेगा? कोरोना वायरस का। ओके। और ये है नेक्स्ट डे शाम का व्लॉग, मतलब रात का व्लॉग। आजकल हम लोग के घर में दिन भर टीवी चलता है, तो अगर न्यूज़ ही चलता है, और सुबह और रात में तो बिल्कुल जब हम बेड से उठते हैं
तो हम सबसे पहले एक बार न्यूज़ देख लेते हैं, हेडलाइंस जो भी होता है वो सुन लेते हैं 15 से 20 मिनट, और फिर उसके बाद हम रात में जब सोने जाते हैं तो उससे पहले हम 15 से 20 मिनट न्यूज़ देखते हैं, और फिर ही कोई दूसरा जो टीवी का प्रोग्राम है वो देखते हैं। और इस दिन मैंने बनाया था पाव भाजी डिनर में, तो उसकी रेसिपी इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, वो मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इंक्लूड करूँगी। तो बस यहीं पे एंड कर रही हूँ अपना ये व्लॉग, और कुछ जो पाव भाजी मैंने बनाया था उसकी जो क्लिपिंग्स है वो आप लोगों के साथ अभी शेयर कर ले रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपसे मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आपने रखिएगा ध्यान और घर पे रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।